फ्रेंड्स, आज हम लोग रोटेशनल मोशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास असल में क्या होता है। सेंटर ऑफ मास का नाम हम लोगों ने बहुत बार सुना है। अगर हम लोग इसके नाम को गौर से पढ़े, सेंटर ऑफ मास यानी कि किसी भी मास का सेंटर, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके आसपास का जितना भी मास है वो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड करता है, या यूं कहें कि वो कहीं ना कहीं इस इन सभी उसके आसपास की जितना भी मास है सबका एवरेज पॉइंट है, या पोजीशन एक ऐसी है, एवरेज पोजीशन कह सकते हैं आप इसको। तो उसी पॉइंट को, उसी सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंपल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक व्हील है, या फिर यूं कहूं कि एक राउंड सरफेस है, राउंड सरफेस का कोई ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ के निकालना है जिस पॉइंट के ऊपर इसके आसपास में, मतलब इस टोटल पूरे पूरे व्हील या राउंड ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है वो डिपेंड करता हो, या वो उसकी एवरेज पोजिशन हो, यानी कि उस पॉइंट से बचे हुए सारे मास को कंट्रोल किया जा सकता है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, यानी कि इसके ये जितना भी आप लोग देख सकते हैं टोटल, ये राउंड फिगर है, तो इसके अंदर क्या है, डेंसिटी जो है वो बराबर है हर जगह पर। तो इसका मतलब यही हुआ कि इसकी इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसका सेंटर ही होगा, यानी कि इसका सेंट्रलाइज जो पॉइंट है वही होगा। इस पर डिपेंड करेगा इसके आसपास का जितना भी मास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए कि एक रिंग ले लूँ, रिंग भी जो है वो उसके सेंटर ऑफ मास पर डिपेंड करती है। या फिर मैं कोई एक ऐसा कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है बहुत सारे हमारे पार्टिकल से बना हुआ है, और इन सभी पार्टिकल्स पर ग्रेविटी कहीं ना कहीं काम कर रही है नीचे की तरफ, हमें अच्छी तरीके से पता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को मैं नीचे गिरने से रोक लूँ, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको पकड़ लूँगा। मतलब यहाँ मैंने पांच पॉइंट्स है, तो पांच पॉइंट्स पर मैंने पांच स्टिक्स लगा दी जिसकी वजह से ये रुक गया। अब ये जो है इसे एंटी ग्रेविटी का काम कर रही है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है सारी स्टिक्स जो है उसके ऊपर फोर्स लगा करके। लेकिन अगर मुझे एक ऐसा पॉइंट ढूंढना हो जिसमें इन पांच स्टिक्स की जरूरत ही ना पड़े, मुझे उस एक पॉइंट पर ही मैं स्टिक लगाऊं और ये जो है टिक जाए पूरा का पूरा, मतलब इसका सारा जो मास है वो इस पोजिशन पे आकर के टिक जाए, तो मैं कैसे पता करूंगा। अगर मैं मान लीजिए कि सिर्फ यही स्टिक लगाता हूं तो ऑब्वियस ही बात है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, या इस तरफ लगाऊं तो ये नीचे गिर जाएगा, या उस तरफ लगाऊं तो भी ये नीचे गिर जाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद मुझे कहीं जाकर के वो पॉइंट मिल गया कहीं यहाँ पे बीच में सेंटर पे, जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा टिक गया। ऐसा देखा होगा आपने, आपने कभी हाथ में अपने अगर आपने मिठाई के डब्बे उठाए हो तो बीच में अगर आप अपना हाथ छोटा करके बीच में भी अगर इस तरीके से इसको रख लेते हैं अपने हाथ में, तो भी ये नीचे गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया हुआ है अपने हाथ से वो सेंटर ऑफ मास पे लगाया है। अब इस पॉइंट से सारे का सारा जितना भी इस बॉक्स का जितना भी मास है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, और यही कारण है कि ये जो बॉक्स है वो नीचे गिरा नहीं। इसका अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो आप लोगों के घर में टू व्हीलर्स तो होंगे, टू व्हीलर्स में आप लोगों ने गौर किया हो तो गाड़ी के बीचों बीच राइट में या लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट में जब आप गाड़ी रोकते हैं तो एक स्टैंड लगा हुआ होता है। वो स्टैंड जो है वो पूरी पूरी गाड़ी का वजन उठाता है, पूरी पूरी गाड़ी का जो है जो मास है उसको बैलेंस करके रखता है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर में है, या यूं कहूं कि वो सेंटर में भी ना होकर के वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां से गाड़ी के ये जो दोनों दोनों जितने भी पार्ट्स हैं इसका जितना भी प्रेशर है, जितना भी मास का जो प्रेशर है वो ये स्टैंड झेल सकता है। तो उसको आप एक तरीके से सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं गाड़ी को खड़ा करने के लिए। मैं पूरी गाड़ी का सेंटर ऑफ मास नहीं बता रहा हूं, मैं यह बता रहा हूं कि गाड़ी टिक सकती है। अब अगर मान लीजिए कि ये स्टैंड अगर मैं पीछे की तरफ लगा दूं या मैं आगे की तरफ लगा दूं तो क्या गाड़ी टिक पाएगी? मुश्किल है। अगर स्टैंड आपका बहुत बड़ा है या फिर मजबूत है कुछ, मतलब इसके अंदर और कोई मैकेनिक्स लगाई हुई है उसने, तब तो मॉडिफाई करके रखा हुआ है, तब तो आराम से वो टिक जाएगी। लेकिन नॉर्मल गाड़ियों में ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो स्टैंड है वो पीछे की तरफ रह जाए तो फिर वो अचानक से गाड़ी गिर जाती है, या आगे की तरफ निकल जाए तब भी गिर जाती है। लेकिन अगर उसका एंगल सही बना रहे, उसके सेंटर पे बना रहे, तो गाड़ी टिकी रहती है, फिर चाहे उसके ऊपर कोई व्यक्ति आकर के बैठ भी क्यों ना जाए।
ये होता है एक टू व्हीलर का सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी सेंटर ऑफ मास होता है हमारे नेवल के पास, ये जो जिसको आप इस पॉइंट को नेवल कहते हैं, इसके पास जो होता है हमारा सेंटर ऑफ मास होता है, पूरी बॉडी का होता है। आधा मास ऊपर की तरफ होता है, आधा नीचे की तरफ होता है। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ऊपर वाला, अच्छी तरीके से बनाया हुआ है सब कुछ। सो इस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास देखते हैं। अब देखिए, मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास को पता करने का अपना एक तरीका है, कुछ इक्वेशंस होती हैं, जिसके बारे में अभी मैं बात नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ समझाने के तौर पे कि सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे दे सकते हैं। हालांकि इसको निकालना बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें समझना ये है कि आखिरकार इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस होती कैसे है सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पर ये तो हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे कि राउंड फिगर में है या फिर चौकोर है या स्क्वायर जिसको आप कह सकते हैं, उसमें तो जो सेंटर ऑफ मास है बिल्कुल ही सेंटर पॉइंट पे होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंपल नहीं है या फिर यूनिफॉर्म डेंसिटी का नहीं है, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल ये हैमर है, इस हैमर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, कुछ इस हिस्से के अंदर। तो यहाँ इसकी मदद से क्या होता है, ये जो मास है ऊपर नीचे बढ़ जाता है। यानी कि सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है उस पॉइंट पर जिस पर सारा के सारे ऑब्जेक्ट का मास डिपेंड करता है। बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब अंत में हमारा ये सवाल आता है कि सेंटर ऑफ मास का जो है वो यूज क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है उस मास का, मतलब सारे मास का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है, और उसी मास की मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की मैकेनिक्स सॉल्व कर पाते हैं। जैसे मैंने ये हैमर का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेंटर ऑफ मास जो है वो बहुत अजीबोगरीब जगह पे होता है। हम लोग कह भी नहीं सकते कि मान लीजिए एक बड़ा स्टोन है, उसका बहुत सा मास जो है बस इतने से हिस्से के अंदर है और बाकी मास इतने हिस्से के अंदर है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास हो। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को का जो मैकेनिक्स है उसको सॉल्व करने के लिए इस सेंटर ऑफ मास का यूज़ किया जाता है, इसकी इक्वेशंस का यूज़ किया जाता है। और साथ ही सेंटर ऑफ मास ही एक ऐसा पॉइंट है पूरे ऑब्जेक्ट का जहां पर न्यूटन के जो लॉज हैं वो एकदम सटीक, यानी कि बिल्कुल एक्सट्रीमली सही लगते हैं, कोई गलती नहीं होती। ये जो पॉइंट होता है इसी के ऊपर जो है हमारा न्यूटन्स के लॉ है ना परफेक्टली लगते हैं। जैसे कि पहला लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहता है या फिर रेस्ट में रहता है, तो इस पॉइंट पर वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैठता है। वैसे तो पूरी बॉडी पे बैठता है, लेकिन कभी कभी क्या है मोमेंटम की वजह से बॉडी आगे निकल जाए, हम लोग वेलोसिटी रोकते हैं उसके बाद भी, मतलब पहले पढ़ा है हमने मोमेंटम, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ये रुक जाएगा परफेक्टली। तो ये है सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन। आगे की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसके इक्वेशंस पे और कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का जो है सेंटर ऑफ मास है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही हो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।